दोस्तों आपके सामने यहाँ दो कंपनीज के स्टॉक का प्राइस है। अब इनके शेयर प्राइस को देखते हुए आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन सी कंपनी बड़ी है? अगर आपको लगता है कि ब्रिटानिया कंपनी बड़ी है क्योंकि इसके शेयर का प्राइस आईटीसी से बहुत ज्यादा है तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। हम सिर्फ शेयर प्राइस के बेसिस पे कंपनी के साइज को डिसाइड नहीं कर सकते, तो भाई फिर कैसे कर सकते हैं? इसको समझने के लिए हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो हेलो गाइज, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान और इस वीडियो में हम समझेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, कैसे कंपनीज को इंडियन स्टॉक मार्केट में मार्केट कैपिटलाइजेशन को यूज करके क्लासिफाई किया जाता है और लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज क्या होती हैं। पहले हम समझते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन एक कंपनी के साइज एंड टोटल वैल्यू को शो करती है, यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है एक कंपनी के शेयर्स की टोटल मार्केट वैल्यू। इसको कैलकुलेट करने के लिए एक कंपनी के टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर से। यहाँ आउटस्टैंडिंग शेयर्स का मतलब है कि वो शेयर्स जो करंटली स्टॉक होल्डर्स, कंपनी के ऑफिशियल्स और पब्लिक इन्वेस्टर्स ओन करते हैं। आउटस्टैंडिंग शेयर्स में कंपनी के ओनर्स यानी मालिक के शेयर्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। तो मान लो एक कंपनी है एक्स जिसके टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं 2 लाख और करंट शेयर प्राइस है ₹1000 पर शेयर, तो एक्स कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगी 2 लाख मल्टीप्लाई बाय ₹1000 = ₹20 करोड़। नाउ अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि इन दोनों में से कौन सी कंपनी बड़ी है। तो हमें यह पता करने के लिए कि इन दोनों में से कौन सी कंपनी बड़ी है, इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन को निकालना पड़ेगा। तो आईटीसी के टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं ये। अब इसको अगर हम इसके पर शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ₹3,06,928 करोड़। एंड ब्रिटानिया के टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं ये। इसको अगर हम इसके पर शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ₹60,079 करोड़। अब इस कैलकुलेशन से हम देख सकते हैं कि आईटीसी की मार्केट कैपिटलाइजेशन ब्रिटानिया के 6 times है, मतलब आईटीसी बहुत बड़ी कंपनी है एज कम्पेयर टू ब्रिटानिया। तो अब इससे हमें क्या पता चलता है कि शेयर प्राइस से हम किसी कंपनी का साइज नहीं बता सकते। ये हमें पता चलता है मार्केट कैपिटलाइजेशन से, जिसका यूज करके कंपनीज को साइज के बेस पे क्लासिफाई किया जाता है। अब बात करते हैं कि कैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में कंपनीज को मार्केट कैपिटलाइजेशन का यूज करके क्लासिफाई किया जाता है। इसको बेसिकली इन 3 categories में क्लासिफाई किया जाता है, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। यहाँ कैप का मतलब है कैपिटलाइजेशन। वैसे इसका कोई हार्ड एंड फास्ट क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन जनरली इनको इसी तरह से क्लासिफाई किया जाता है। जिन कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹5000 करोड़ से कम होती है वो स्मॉल कैप के अंदर आती हैं। कंपनीज जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹5000 करोड़ से ₹20000 करोड़ के बीच होती है वो मिड कैप के अंदर आती हैं, एंड जिन कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹20000 करोड़ से ज़्यादा होती है वो लार्ज कैप के अंदर आती हैं। लार्ज कैप कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो मार्केट में वेल एस्टैब्लिश्ड होती हैं, एंड ज़्यादातर लार्ज कैप कंपनीज अपने सेक्टर्स की लीडर होती हैं। इन कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा होती है तो ये कंपनीज एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकती हैं। लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना सेफ होता है और बहुत कम रिस्की होता है, इसलिए इसमें प्रॉफिट भी रिलेटिवली कम होता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना एक अच्छा ऑप्शन होता है। कुछ लार्ज कैप कंपनीज के एग्जांपल जैसे भारतीय एयरटेल, हीरो मोटोकॉर्प, ICICI बैंक, एशियन पेंट्स एटसेट्रा। मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना ज़्यादा रिस्की होता है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप कंपनीज। इसमें रिस्क हाई होता है तो प्रॉफिट होने के चांसेस भी हाई होते हैं, और मिड कैप कंपनीज के कुछ सालों में लार्ज कैप कंपनीज बनने के चांसेस भी होते हैं। कुछ मिड कैप कंपनीज के एग्जांपल्स जैसे बाटा इंडिया, टाटा पावर कंपनी, अपोलो टायर्स, कैस्ट्रोल इंडिया, स्पाइसजेट एटसेट्रा। स्मॉल कैप कंपनीज की बात करें तो यूजुअली इसमें स्टार्टअप कंपनीज होती हैं जो अपनी डेवलपमेंट स्टेज में हैं। स्मॉल कैप में इन्वेस्टिंग करना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है क्योंकि बहुत कम स्टार्टअप कंपनीज ही सक्सेसफुल हो पाती हैं। लेकिन अगर आप अच्छे से रिसर्च करके उस स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट कर दो जिसके सक्सेसफुल होने के चांसेस फ्यूचर में हाई हैं, तो इसमें प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मिड कैप एंड लार्ज कैप। हर एक लार्ज कैप कंपनी कभी ना कभी मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनी थी, लेकिन हर एक स्मॉल कैप कंपनी ज़रूरी नहीं है फ्यूचर में मिड कैप या लार्ज कैप कंपनी बने। दोस्तों, शेयर मार्केट में लोगों को एक बड़ा कन्फ्यूजन ये रहता है कि ये शेयर का प्राइस जो कभी बढ़ जाता है या कभी कम हो जाता है तो ये डिसाइड कौन करता है। तो फाइनेंस की अगली वीडियो में हम यही बात करेंगे कि ये स्टॉक का प्राइस डिसाइड कौन करता है। तो आप बेसिक ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए, और ऐसे ही ज्ञान से भरी वीडियोज़ के लिए देखते रहिए बेसिक ज्ञान।